तेरी नहीं आदि हूँ, मैं भी तेरी नहीं आदि हूँ। देख यार 12 साइड देख, अरे देख कपड़े देखी के 5000 का जैकेट पहने रखा देख। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, डीजर परेश खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने सामान अनपैकिंग करके निकल रहा था, तो ये रहा मेरा सामान, पैक हो चुका है, मैं अकेला और 3 बैग है मेरे पास। चलो अभी हम लोग मिलते हैं क्योंकि काफी देर हो गई है, आधा घंटा बाकी है ट्रेन में और यहाँ पर मैं व्लॉगिंग खेल रहा हूँ। तो चलो स्टेशन पे जाके मिलते हैं, रास्ते में सामान वामान रखते हैं। ये 3 बैग आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 है, जल्दी जल्दी लेके निकलना है। स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और मैंने 3 ये लिए है और मिल्क शेक। भाई ट्रेन मेरी आ गई है, ट्रेन आगे जा रही है, डब्बा नंबर S6 में मेरी सीट है। मैं पहुंचा हूं अभी S2। फाइनली ट्रेन निकल चुकी है और बस अभी मैं आया हूँ वॉशरूम के अंदर, फेस वॉश करता हूँ, उसके बाद में खाना वाना तो मैं खा के आया था, बस अभी जाके थोड़ा सा लेटता हूँ, अपनी सीट पर चलते हैं। तो सामान वामान रखने की थोड़ी दिक्कत हुई, सामान वामान मैंने सब रख दिया, अभी जाते हैं हम लोग हमारी सीट पर और जाके थोड़ा सा आराम करते हैं और मूवी वूवी देखते हैं। तो बस गाइज फाइनली सामान वामान सब रख दिया मैंने और वॉशरूम में जाके फेस वॉश कर लिया एकदम अच्छे से और अभी मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है 2:55 1:55 हो चुके हैं, मतलब 5 मिनट बाकी है 2 बजने में। तो बस अभी जाके सीधा हम लोग सोते हैं और सुबह में उठेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो बस अभी मैं अजमेर पहुंचा हूं और अभी मेरी आँख खुली, बाजू वाले भाई ने बताया, मतलब बाजू वाले भाई ने उठाया मुझे, जो मेरे नीचे वाले जो सीट पे जो भाई बैठे उन्होंने उठाया कि भाई उठ जा अजमेर आ गया, तो वो रात से सो ही रहा है। तो अभी कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, मैं ट्रेन के थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। अजमेर शरीफ, गाइज फाइनली काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ मैं, बस जयपुर आने में 1 घंटे का रास्ता है, मतलब अभी बज रहे कुछ 3:30-4:15 का टाइम हो गया और 5 बजे तक जयपुर आ जाएगा और उसके बाद वहाँ से मुझे जाना है फतेहपुर, तो मतलब जो ट्रेन में मैं बैठा हूँ वही ट्रेन मुझे लेके जाएगी फतेहपुर। तो मेरा पूरा शेड्यूल ऐसा हुआ कि रात को मैं निकला कुछ 12:30-12 बजे मैं घर से निकला, 1 बजे की मेरी ट्रेन थी, ट्रेन में बैठा आके सीधा सो गया, उठा के बाद में आगे सीधा सोया और मैं सीधा उठा अजमेर शरीफ में उठा, वहाँ से उठने के बाद मैंने खाना वाना खाया, मतलब बाहर से ही लिया था खाना वाना खाया और उसके बाद फिर से सो गया और अभी उठा, अभी मैंने एक छाछ ली, छाछ पी रहा हूँ, उसके बाद में अभी आगे की जर्नी हम देखते हैं। गाइस फिलहाल मैं जयपुर स्टेशन पर, मेरी ट्रेन आ गई है आप देख सकते हो, तो बस अभी जयपुर स्टेशन पे है, अभी मुझे फतेहपुर सीकरी जाना है, फतेहपुर सीकरी जाने में अभी यहाँ से 4-5 घंटे और लगेंगे। तो बाहर जाते हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता लेते हैं, खाते हैं और आपको जयपुर स्टेशन थोड़ा बहुत घुमाते हैं। तो चलो जाते हैं, कुछ पूरी ट्रेन खाली है, क्या खाएं, ये लेते हैं भाई एक पेटी जगह। निकल चुकी है जयपुर स्टेशन से, चलो अब जा रहे हैं हम हमारे गांव फतेहपुर सीकरी। फाइनली बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, मतलब थोड़ी देर मीन्स 2 घंटे मुझे और लगेंगे मेरे गांव पहुंचने में और भाई हालत मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ज़्यादा और स्मार्ट बन के जैकेट मैंने डाल दिया है, बैग के अंदर रखा हुआ है क्योंकि सूरत में गर्मी थी, लेकिन भाई यहाँ पर आया तो पता चला 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री मतलब आप समझ सकते हो कि 8 डिग्री किसको बोलते, काफ़ी ज़्यादा ठंडी और मेरी हालत ख़राब है, दरवाज़ा बंद करके खड़ा हूँ, मैं फ्रेंड को फ़ोन किया है वो लेने आएगा, अभी
फतेहपुर सीकरी, सॉरी सीकर नहीं आया, सीकर के बाद में आता है फतेहपुर सीकरी। तो सीकर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, सीकर से मेरे को एक घंटा और लगेगा फतेहपुर जाने में, तो चैनल पे बने रहिएगा। और आज का जो हमारा सफ़र है बहुत ही अच्छा रहा, और बस जल्दी से गांव जाने के बाद में हम लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने वाले हैं। मतलब जयपुर जाने वाला हूँ, उसके बाद अजमेर शरीफ जाने वाला हूँ। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बस अभी जाके मेरी सीट पर बैठता हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं यहाँ पे मुँह धोने आया तो मुँह भी मेरे से नहीं धोया जा रहा था, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो चलो अभी जाके सीट पर बैठता हूँ। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ फतेहपुर स्टेशन के ऊपर, और यहाँ पर खड़ा हूँ। फ्रेंड को कॉल किया है, वो आ रहा है, उसने बोला थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तो बस वो आ रहा है मेरे को लेने के लिए। मैं तब तक यहाँ पर खड़ा हूँ, उसका वेट करता हूँ। हालत मेरी एकदम ख़राब है, घर जाते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अरे आदिल भाई और आदिल बढ़िया भाई, भाई चल भाई चल। आदिल एकदम कश्मीरी लग रहा है। अरे आदिल इतनी ठंडी भी कौन है तो यार, तो इतनी ठंडी भी कौन है तो बैग बाग यहाँ लेकर चल रहे हो हाथ में क्या कर रहा तो भाई आदिल को कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। जैकेट वैकेट, हाथ के ग्लव्स, साथ में टोपी। चल चल आता, अरे तो बोल रहा जल्दी भाग। अरे देख यार यार बारिश आया, देख लग रहा है उन्हीं। अरे मैं भी तेरी नहीं आदी हूँ, मैं भी तेरी नहीं आदी हूँ। देख यार बारह साइड आ, देख अरे देख कपड़े देखी के 5000 का जैकेट पहने रखा, देख ठंडी लग रही है तुमने, इतनी ठंडी लग रही है तुमने। चल चलो हम निकलते हैं यहाँ से भी घर। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, सामान मैंने यहाँ पर रखा है, और 21 घंटे का मेरा सफ़र रहा, काफ़ी मज़ा आया। मैंने तो सो के पूरा सफ़र को खत्म किया है, तो अभी हम लोग नए नए व्लॉग बनाएंगे, अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पर मुझे जाना है वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो बस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।